श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो गाइस, मेरा नाम दर्शन यादव है और आज मैं आपके सामने हाईवे 2022 तेलुगु मूवी के बारे में रिव्यू एंड एक्सप्लेन करूँगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी दिखाई जाती है, बच्ची जो इसका नाम तुलसी होता है, उसकी माँ होती है। वो मिडिल क्लास, उसके फैमिली में कोई नहीं होता, सिर्फ उसकी माँ और वो तुलसी होती है। तभी एक बड़ा सरपंच, बड़ा अमीर गाँव का अमीर बंदा आता है उसके पास, बूढ़ा सा। कहता है मुझे तुलसी से शादी करनी है। जिससे बचाने के लिए उसकी माँ उसे बाहर भेज देती है और देन वो अकेली बाहर गई होती है एक हाईवे के दौरान, और उसे एक दोस्त मिलता है जिससे वो अच्छी खासी दोस्ती करती है, अच्छा खासा प्यार होता है, पढ़ता है ये सब। तभी हमें साथ में एक एंगेज करता हुआ एक सीरियल किलर भी दिखाया जाता है जो कि सीरियल किलिंग कर रहा होता है, और वो उसकी नज़र पड़ जाती है तुलसी पर, और जिससे वो प्यार करता है, जिससे अभी मिले थे, दोस्ती हुई थी, वो उसे कहीं छोड़ कर कि यहाँ से तुम अच्छे से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, जब तक मैं आता हूँ तुम पहुँच जाओ। तो पता चलता है कि वो सीरियल किलर उसको ही तुलसी को लेकर चला जाता है, और वो जब उसके पास आता है तो उसे वो नहीं मिलती है। वो बचाने के लिए क्या करता है, कैसे कैसे स्टंटबाजी और क्या क्या एंगेज है, क्या क्या जो टर्न है, वो सब जानने के लिए उस पूरी मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी की लेंथ 2 से 1.5 घंटे बैरी करती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको बहुत हद तक देख सकते हो, मतलब कि मैं कहना चाहूँगा आप इस मूवी को पूरा ही देख सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा हद तक पसंद आने वाली मूवी लगी है, एंगेज्ड है, डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और फैमिली के साथ आप मे भी इसको ना ही देखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि किलिंग जो वल्गरिटी दिखाई गई है वो किलिंग में दिखाई गई है। पूरा पूरा जोश किलिंग में दिया गया है, ठीक है, मारने के तरीके में दिया गया है, तो थोड़ा डिस्टर्बिंग लग सकती है, बाकी एंगेज्ड है, एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। ओके।